ये जीत का जश्न देश को अपनी नई राष्ट्रपति मिलने का है। जी हाँ, अब ये तय हो गया है कि एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू देश की अगली राष्ट्रपति होंगी। 18 जुलाई को देश में 15वें राष्ट्रपति के लिए चुनाव हुए थे। 21 जुलाई को वोटों की गिनती शुरू हुई और शुरुआती रुझानों से ही तस्वीर साफ होने लगी कि इस चुनाव में जीत विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा की नहीं बल्कि एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की होगी। पहले राउंड में सांसदों के कुल पड़े 748 वोटों में से मुर्मू को 540 वोट मिले, जबकि यशवंत सिन्हा को महज 208 वोट मिले, जबकि 15 सांसदों के वोट इनवैलिड हो गए। वहीं गिनती आगे बढ़ी और दूसरे राउंड के रुझान सामने आए तो द्रौपदी मुर्मू की जीत की संभावना और पक्की होती दिखाई देने लगी। दूसरे राउंड में मुर्मू को 809 और यशवंत सिन्हा को मात्र 329 वोट ही मिले और आखिर में द्रौपदी मुर्मू ने वोटों के मामले में यशवंत सिन्हा को बहुत पीछे छोड़ते हुए देश की अगली महामहिम बनने तक का सफर पूरा कर लिया और इसी के साथ देश में एक रिकॉर्ड भी कायम हो गया। जी हाँ, दरअसल द्रौपदी मुर्मू देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बन गई हैं। वहीं अब द्रौपदी मुर्मू 25 जुलाई को नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगी। इधर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो रहा है। वहीं 24 जुलाई को ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद चुने हुए नए राष्ट्रपति और केंद्रीय मंत्रिमंडल के लिए डिनर का भी आयोजन कर रहे हैं और अगली सुबह द्रौपदी मुर्मू देश की महामहिम के पद को संभाल लेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया हेड।